हेलो गाइस, वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल डीएस पांच में लोगों दोस्तों डाल देंगे वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूं। आप कहीं अनजान जगह पर जाते हैं या कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, विवाह शादी पार्टियों में जाते हैं गाँव में, तो आपको किस तरीके से जाना चाहिए। और हम अलीगढ़ से एक शेरगढ़ गाँव में जा रहे हैं, अलीगढ़ के शेरगढ़ गाँव, जो कि बहुत ही खतरनाक गाँव है। नाम ही आप देखकर सुनकर के घबरा गए होंगे, शेरगढ़ गाँव। तो आज हम शेरगढ़ गांव की सैर कराएंगे और काफ़ी रात हो रही है, रात के 9 बज रहे हैं भाई, और 9 बजे का सफ़र है और रास्ता आप दिखाएंगे आपको कहां कहां होकर के हमें जाना है। और हमने रास्ता नहीं देखा है और हम थोड़ा सा शॉर्ट निकलने के चक्कर में थोड़ा सा रास्ते से आगे गल जो हमारे ड्राइवर साहब हैं ये बोल रहे थे मैंने रास्ता देखी है और उन्होंने थोड़ा कासमपुर पावर हाउस की तरफ से रास्ता शॉर्ट निकाल दिया था और अब हम देखते हुए कोई बात नहीं दोस्तों, हम इन परेशानियों से निकलते हुए आपको दिखाएंगे किस तरीके से, मतलब आप रास्ते में फंस जाते हैं तो आपको किस तरीके से हेल्प लेनी चाहिए और किन किन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, किन किन लोगों की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सब पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, जरा सा भी मिस नहीं करना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत गर्मी है और हमको डर भी लग रहा है यार, बाकी अच्छी सी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और हम हेल्प मांगेंगे किसी से, हेल्प क्या थोड़ा सा रास्ता पूछेंगे। और पता तो है मैप लगा रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है। काली रात है और इधर भी आसपास दूर दूर तक गाँव नज़र नहीं आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं चलते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ से हम शेरगढ़ जा रहे हैं और कासमपुर वाले रास्ता से हम निकलते हुए हम जा रहे हैं। आगे से तो बाइक आ रही है शायद, हाँ कुछ ना कुछ आगे रोड है जो वहाँ से बाइक आ रही है। चलो चलो चलो, बहुत खतरनाक होते हैं कहीं कहीं। और अब ये भाई कौन सा मंदिर आ गया, और हम भी अलीगढ़ के रहने वाले हैं लेकिन हमको भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गलत रास्ता पर ना आ जाए। और हमने दो जगह रास्ता पता कर लिया है शेरगढ़ गांव जाने के लिए और हम फोटो से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और रास्ता थोड़ा सा बड़ा खावड़ है, मैं आपको दिखा दूँ, हमारे मोनू भाई गाड़ी चला रहे हैं और हम देखते थे भाई इस तरीके के रास्ते हैं, कहीं कहीं कट पड़ता है तो पता करना होता है। देखिए भाई इधर भी एक किराया आ गया, अब इसी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है और लेकिन हमें कहाँ जाना है कहाँ जाना है, लेकिन हमको सीधा ही जाना है, कोई बात नहीं है, ये तो पता है रास्ता मेरे पास। एक बार और पता कर लिया रास्ता क्या है, मैप सीधे दिखा रहा है तो भैया हमने मैप लगा रखा है तो हम ऐसे चल रहे हैं सीधे, और हमने मैप लगा रखा है फोन में,
फिर भी भाई देखो सरगटा, ये देखिए देखो सरगटा, ये देखिए भाई इसको बोलते हैं भेड़िया। और भी आ रहे होंगे यहाँ पर लाइन लगा के चल रहे हो, ये देखिए गाँव में इस तरीके के सरगटे मिलते हैं। तो देखते रहिए, ये ब्लॉगिंग पूरा पूरा नाइट का है। और वैसे तो मैं आपके लिए अपने चैनल पर यानी कि अलीगढ़ की मार्केट, अलीगढ़ में जो भी बढ़िया फेमस चीज़ होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अलीगढ़ की आप चाहते हैं कोई भी मार्केट देख रहे हैं, दुकान देख रहे हैं, फेमस चीज़ देख रहे हैं, तो मैं दिखा दूँगा अपने चैनल पर। और वैसे तो हमारे चैनल पर आपको ऑनली पहले से ही दोस्तों अलीगढ़ की हर जगह की मार्केट देखने को मिलेगी और गाँव आसपास के देखने को मिलेंगे। और आज लेकिन मैं शेरगढ़ गाँव दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ बरात चढ़ेगी और किस तरीके का गाँव है, कैसा है, तो आपके लिए पूरा देखने जाऊँगा, पूरा जरूर दिखाऊंगा दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए, आने वाले हमारे सभी वीडियो देखने के लिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप चाहते हैं हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से आते रहें। और यहाँ धानों की खेती चल रही है, सब देख रहे हैं धानों की खेती, पानी पानी भी लग रहा है खेतों में और बरसात भी हो रही है भैया। आज भीड़ में हमारे अलीगढ़ में बरसात भी हो रही है, देखिए आपको क्या हो गया, क्या हुआ वाली गिरी आए, अब लगता है कुछ गड़बड़ हो गया ऊपर, देखना पड़ेगा जाके क्या हुआ भाई, दुबे बाहर निकल आए, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, हमारा जो सामान रखा था वो कुछ गड़बड़ हो गया, उसे चेक कर लेते हैं। और एक बार बेकार रोड है, धच्ची उच्चियाँ लग रही हैं और गीला हो गया है, एक बार चेक करते हैं चल करके। जे देखिए भाई हमारा साउंड सिस्टम सारा ढीला हो गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं गाँव के आसपास में कुछ भी नहीं है, खाली खाली नज़र आ रहा, दूर दूर गाँव नज़र आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप कहीं गांव देहात में फंस जाते हैं रात के समय पर, आपको सुबह शाम दिखता है, कोई भी आपको रास्ता बताने के लिए नहीं दिखता है, तो आपके लिए आसपास कोई गांव दिखता है तो वहां जाकर के आप उनसे रास्ता पूछ सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, ये एक तरीका है। और रोड पर चलते हुए लफंगा और लुटेरे होते हैं कुछ लोग, उनसे थोड़ा सा सावधान रहें, उनको देख करके अनजान ना बने और आगे को बढ़ते रहें, चलते रहें। तो जुराले मोहल की देखो कितना अंधेरा, टॉर्च जाने के बाद में ये है भाई, ये देखो टॉर्च जला जला कर काम करना पड़ रहा है। ये लंबा टूल है और रास्ता बेकार है, इस वजह से छूट गई ये सब, और अब की एक बार और कस दो, फिर बेकार ना होगा ये, ठीक है जल्दी से फिट कर दो, चिल्ला लो आगे मिल जाओ। ये भी एक गांव आ गया है, ये अंकल जी जो बता रहे हैं, इन्होंने जा रहे हैं चाट वाले भैया, इन्होंने बताया था हमें शेखपुर गांव, ये गाँव पार करने को बताया था। भैया है हमारी हेल्प कर रहे हैं और ये शेरगढ़ गांव जा रहे हैं और हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं और हमें इनसे बहुत हेल्प मिली है, इन्होंने अच्छे से हमको रास्ता दिखाया और अब उनको लिफ्ट दे रहे हैं और अपने साथ साथ लेकर के चल रहे हैं और हम भी इनके साथ ही जाएंगे, इनके आगे निकलने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। और ये चाट बेच कर आए हैं किसी गाँव में, इनको भी शेरगढ़ गाँव में जाना है, ये इनसे हम हेल्प पूछेंगे जो भैया बता रहे हैं। अंकल जी जाइए शेरगढ़ गांव की रास्ता सीधे, अच्छा
अच्छा थोड़ी सी दूर है, सिर्फ लगाऊंगा मुझे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखो अंकल जी का चेहरा भी नहीं दिख रहा था, इतनी काली रात थी, और बेचारे हमारे साथ साथ आए, उन्होंने हमें थोड़ा सा हेल्प दी और हमें उन्होंने रास्ता बताया श्रीनगर जाने का, और हम श्रीनगर गाँव बता रहे हैं कि आधा किलोमीटर दूर बचा है यहाँ से, और मंजिल तक आ चुके हैं।